Hi everyone, this is Devshree, a psychologist, a coach, and India's top UPSC-CSE educator. Welcome back to the series on dealing with distractions of UPSC-CSE aspirants' life. हमने पुरानी वीडियोस में कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. जो आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि हम रनिंग अ सीरीज जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी डिस्ट्रैक्शंस या चैलेंजेस फेस करते हैं, हर एक वीडियो के अंदर ऐसा एक चैलेंज जो है मैं डिस्कस करूँगी, जिसमें आपकी इस इश्यूज को डिस्कस करूँगी प्लस उनके साथ में कुछ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो यूजुअली जनरल प्रॉब्लम्स में कवर नहीं होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आपकी भी उस प्रॉब्लम के ऊपर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो वेरी सून. सो आज का जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा वो है इमोशनल डिस्टर्बेंसेज को लेकर. देखो, पुरानी वीडियोज में हमने हमारे टाइम टेबल को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इशूज़ एंड हमने सोशल मीडिया बेस्ड डिस्ट्रैक्शंस, इन सभी के बारे में बात किया है. आने वाली वीडियोस में भी हम और अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आज इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस एज अ ब्रॉड थीम मैं लेके चल रही हूँ. अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप देखेंगे कि इमोशंस कभी भी आइसोलेशन में डिस्कस नहीं होते हैं. इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस या डिस्टर्बेंसेस बोलकर काम ख़त्म नहीं हो जाता है. रीज़न बीइंग, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमेशा किसी ना किसी और टॉपिक के साथ में जुड़ी ही रहेंगी. फॉर एग्जांपल, कई बार इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इसलिए होती हैं क्योंकि हम इमोशनली स्टेबल नहीं हैं. मे बी बिकॉज ऑफ आर ओन पर्सनैलिटी इशूज़, वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सम अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डू नॉट फील एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल, राइट? एंड यू टेंड टू एक्सपीरियंस वेरी इमोशनल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट आप उससे गुजर रहे होते हो. कई बार वो हमारी फेलियर्स की वजह से हो सकता है, कई बार वो हमारी अचीवमेंट्स की वजह से भी हो सकता है, कई बार वो रिलेशनशिप कमिटमेंट इश्यूज को लेकर हो सकता है, कई बार आइसोलेशन लोनलीनेस को लेकर हो सकता है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ हाई ऑप्टिमिज्म, इट कैन बी बिकॉज ऑफ पेसिमिज्म, बट यू विल ऑलवेज फाइंड दैट इमोशंस आर कनेक्टेड विद दीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली. Although in general, I've seen this trend, and not just me, a lot of psychologists have observed that, a lot of researchers talk about that we have a habit of ignoring our emotions, and we feel that when we ignore our emotions, we are more, able to manage ourselves in a better manner, and we are more in control of our emotions. But that's just like fooling yourself. आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हो, अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करते हो तो आप बहुत ही सॉलिड हो, तो आप इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो. बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. एट लीस्ट दैट्स नॉट हाउ इमोशंस वर्क. यू जस्ट ट्राइंग टू फूल योर ब्रेन. टू एन एक्सटेंट यू विल बी एबल टू डू दैट, मे बी वंस इन अ वाइल यू विल बी एबल टू डू दैट, मे बी यू विल ऑल्सो बी एबल टू पुट अ वेरी रफ एंड टफ काइंड ऑफ एन इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स दैट व्हाट आर इमोशंस, आई डोंट केयर, आई एम रियली गुड, आई एम फाइन. बट देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल रियलाइज दैट एज लॉन्ग यू हैव बीन पुटिंग एफर्ट इन सप्रेसिंग योर इमोशंस, देयर विल बी अ डे व्हेन इट विल ऑल कम आउट एंड दैट डे यू विल लूज द कंट्रोल. At least that's how you will understand that you are losing control now. That point becomes very difficult to focus on things. That point makes it so, so difficult for you that you do not find your comfort, you do not find your peace, you do not find your satisfaction, and nothing around you seems right or good. And it's just extremely disturbing mentally, of course, emotionally. Many a times it also extends its effect physically on you, and we call it psychosomatic issues, but that's going to be like another day discussion because of a different topic and a long discussion on that. Now when we can understand this very easily ki emotions mein hai bhai itna dam ki tumhare ko अच्छे से रुला सकते हैं, राइट? लिटरली रुला सकते हैं दोनों तरीके से, ना सिर्फ आंसू के साथ भाई तुमको एकदम झंझोड़ के रख देते हैं, बिकॉज जितना आप उनको इग्नोर करते हो उतना ज़्यादा बिल्ड हो रहा है अंदर ही अंदर. एक दिन ना वॉल्केनो निकलेगा बाहर, तुम्हारा इरप्शन होगा एंड सारे इमोशंस बाहर आएंगे. दैट इज़ व्हेन यू फील कि नथिंग इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, नथिंग इज गोइंग फाइन फॉर यू एंड यू आर जस्ट डन विद लाइफ. I wish that doesn't happen and should not happen. But once in a while, all of us experience that.
sounds very similar to burnout as well. But burnout is including your physical exhaustion. But currently, I'm only focusing on your emotional disturbances and distractions. अब देखो आपकी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो वो अलग अलग इंटेंसिटी या डिग्री पे भी हो सकती हैं, बट ओवरऑल ये सभी मिल के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इमोशनली. अब सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस आज की बात अगर वीडियो में मैं बात करूँ तो ये रहेगा कि बींग अ यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट यार मुश्किल हो जाता है पढ़ाई कर पाना अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल क्राइसिस से जूझ रहे हैं. आप पढ़ने बैठते हो आपका माइंड उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है. आप पढ़ने की कोशिश करते हो आपके जो इमोशंस अभी बहुत पीक पे जा रहे हैं वो आपको फोकस नहीं करने देता है. आप पढ़ रहे हो बट आपका माइंड कहीं आ रहा है. आप पढ़ना चाहते हो बट अभी आपको 4000 चीज़ें सोचनी है कि यार ये मेरे को ऐसा होता तो क्या होता, ऐसे मैंने बोला होता तो क्या होता, अभी मेरे पास में लोग होते तो क्या होता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब जब इतना माइंड ऑक्यूपाइड है तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने वाली, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं सकती है. Because you are not able to concentrate on your studies, you will not be able to get the results which you are looking forward to. And again, जितना भी हमारा focus था, goal था, high scores achieve करने का, mock test में अच्छा perform करने का, syllabus complete करने का, वो सब धरा का धरा रह जाता है. Reason being कि कोई ना कोई एक चीज़ आके affect करके जाती है. देखो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी हो जो ये जितनी भी मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हूँ बहुत सारी फेस करोगे, कुछ हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करो, तो आपकी जो स्पेसिफिक इशू है आप उसके साथ में इन वीडियोस को देख के डील करने की कोशिश करो. ऑफकोर्स ये वीडियो कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कुछ सजेशंस हैं. हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस, उनकी पर्सनैलिटी, उनके तरीके डील करने के अलग होते हैं, राइट? अगर किसी को कभी लगता है दैट यू नीड हेल्प एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, यू वांट काउंसलिंग, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, दैट्स कम्प्लीटली कूल. बट दीज वीडियोज आर नॉट गोइंग टू यू नो कम्प्लीटली हेल्प यू कम आउट ऑफ योर इशूज, बट दीज आर गोइंग टू बी द गाइडिंग लाइट्स फॉर यू विच कैन हेल्प यू इन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. इफ यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द ट्रीटमेंट और द सोल्यूशन, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड in order to control or manage your emotions better. But rather say regulating your emotions is much better than always try to control it, suppress it and thinking ki bhai suppress kar diya aur hum to matlab don ban gaye, ab hamare ko to koi dikkat nahi ho rahi hai, hamare emotions to hamare ko kabhi affect nahi karte hain. Jitna aapko lagta hai ki aapke emotions affect nahi kar rahe hain na, jitna aap unko dabane ki koshish karo, jab koi realize ho na ki ab main mere emotions ko chhupana dabana cha raha hu ya cha rahi hu, समझ जाओ कि इमोशंस अभी भर भर के आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं. वो कोशिश ही आपकी ये बता रही है कि आप डील नहीं कर पा रहे हो. एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड यू नो एक्चुअली रिकॉग्नाइज दिस, मेक अ नोट ऑफ द इश्यूज विच आर डिस्टर्बिंग यू और ट्राई टू वर्क बैकवर्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि यार अगर मेरे को अभी इस टाइम पे इतनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं. सी इट्स नॉट डिफिकल्ट टू मैप इट आउट. अब बहुत आसानी से बैकवर्ड काम करके समझ सकते हो कि अगर मेरे को आज इमोशनली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है सुबह से लेके या कल से लेके, ऐसे कौन से ट्रिगर्स रहे जिनकी वजह से मुझे यू नो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हुई है. वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो. जब वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करते हो फिर उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करने की, रिजॉल्व करने की, कोई कन्फ्लिक्ट है तो मैनेज करने की. अपने पर्सनल चीज़ रिलेटेड है बेसिकली, सिर्फ आपके साथ रिलेटेड है तो उसको एज अ गोल सेट करके धीरे धीरे इम्प्रूव करने की. अगर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, इनके साथ रिलेटेड है तो यू विल अगेन हैव टू वर्क लिटिल हार्डर ऑन दिस बिकॉज अभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, राइट? तो दूसरे लोग जब इन्वॉल्व होता है तो आपको थोड़ा केयरफुली अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना पड़ेगा. उन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली लिस्ट डाउन करना चाहिए. लिस्ट डाउन करके अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके उसको कन्वे करना चाहिए. यू शुड बी असर्टिव इन कन्वेइंग हाउ इट इज डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाट एक्सटेंट इट इज डिस्टर्बिंग यू, बट यू शुड नॉट शो एंगर और अग्रेशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्वे द सेम. प्लीज अंडरस्टैंड, लाइक सिंपली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, हमारे इंडियंस में ना खासतौर पर यह प्रॉब्लम है, हम लोगों को लगता है कि अगर हम बड़े हैं तो हम गुस्सा दिखा सकते हैं, अगर हम छोटे हैं हम बहुत पैम्पर्ड हैं तो हम गुस्सा दिखा सकते हैं. एंड ऑफकोर्स बीच वाले भी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढ ही लेंगे गुस्सा दिखाने के लिए, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड
that anger is not the right way of dealing with issues or things. बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे को अग्रेशन देख देख के मीडिया में फैमिलीज में कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट हो चुका है. हम भी गुस्सा दिखाएंगे तो हमारी बात सामने वाला जल्दी सुन लेगा, मान लेगा, हमारी भड़ास निकल जाएगी. बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन रियलिटी. दैट इज गोइंग टू ट्रिगर मोर इशूज विद यू एंड द पर्सन इन्वॉल्व. With it, learn to be assertive. A lot of emotional issues which I've seen with my students are related usually to people associated with them in their lives, and rarely it is just because of their own selves. Mostly it is because of the people involved, and in both the scenarios anyway you will have to work on it actively. अपना करना थोड़ा आसान हो जाता है, at least हम खुद attract कर सकते हैं, खुद को motivate कर सकते हैं. कभी नहीं भी कर पाए तो चलेगा, but when there are people involved you have to be careful, you should be careful, you should be assertive, you should be mindful of your words, you should be really accurate in the way of conveying what you are feeling. अगर आप ये चीज़ अच्छे से कर पाएंगे तो आप actually में देखोगे कि बिना गुस्सा यूज़ किए, बिना नेगेटिव इमोशन यूज़ किए, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से असर्टिवली अपनी बात सामने रख दी. नाउ दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ यू फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सैटिस्फाइड कि आप जो कहना चाहते थे, जो एक्सप्रेस करना चाहते थे वो सक्सेसफुली कर पाए हो. दूसरा, सामने वाले को भी पॉइंट समझ में आता है एंड उससे आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ईज आउट होने लग जाएंगे अगर आप लोग मिलकर उस प्रॉब्लम पे काम करने के लिए तैयार हो. तो ऐसे केस में अगर कभी है वो कि सामने वाला आपके साथ में वो प्रॉब्लम के साथ डील नहीं करना चाहता है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए कि आप अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करें, जो दूसरे के हाथ में है उनको कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दें. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचकर उन्हीं पे एक्शन लेना चाहिए. जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिनमें हमारा कोई रोल नहीं, जिनमें हमारी कोई एबिलिटी नहीं कंट्रोल करने की, वहाँ सिर्फ ओवरथिंकिंग होती है, एक्सेसिव इमोशनल यू नो डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस होती हैं जिनको आपको लगता है कि आप कभी रेगुलेट कर ही नहीं पाओगे. एंड बहुत बार वो लॉन्ग रन में जब आप सेम इमोशन फील करते रहते हो तो वो आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा बर्नआउट आप एक्सपीरियंस करोगे. तो आपका सबसे पहला कोशिश या सबसे पहला एफर्ट जाना चाहिए कि अगर सिचुएशन आपके साथ एसोसिएटेड है सिर्फ इतना ही है, तो आप गोल सेट करो, ट्रैक करो एंड खुद की उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करो. मान लीजिए आप अपनी फेलियर्स की वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, तो आपका सबसे पहले काम करना ये होना चाहिए कि भाई हमारी फेलियर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, हमारी विंस की सक्सेसेस की एक लिस्ट बना लीजिए. अब मुझे ये नहीं बोलना है, आपको ये मत समझना कि आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट, कि मेरी सक्सेसेस भी तो हैं, ऐसा क्या हो गया, कुछ फेलियर्स हो गई तो कोई बात नहीं. आई हैव अ वेरी सिंपल फंडा इन लाइफ. फेलियर्स हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, हम सभी को बुरा लगता है, जस्ट हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है. सक्सेस हम सबको अच्छी लगती है, हम सब डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, बट टू व्हाट डिग्री वी सेलिब्रेट इट वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है. बेस्ट थिंग इज कि सक्सेस सर चढ़नी नहीं चाहिए और फेलियर राइट अगेन सर वो भी नहीं चढ़ानी चाहिए, मगर भूलना नहीं चाहिए उसको. क्योंकि आपके फेलियर्स को देख कर डर के बैठ जाने से लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी. दैट मीन्स कि हैप्पीनेस नोट पे पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हुए लाइफ तब आगे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी तब आएगी. फेलियर्स को कभी भी इंडिविजुअली एक सेटबैक की तरह मतलब इधर ये देखो कि उसने आपको रेजिलिएंट बनाया है. इन वन ऑफ द कमिंग वीडियोज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ विक्टिमाइजेशन एंड यू नो बीइंग रेजिलिएंट डिस्कस करूँगी. आई नो दैट दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ यू नीड टू हियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द नैरेटिव्स अराउंड अस आर लाइक आई एम द विक्टिम एंड दैट मेंटालिटी इज ऑल्सो द काइंड ऑफ मेंटालिटी विच नेवर लेट्स यू यू नो मूव ऑन एंड प्रोग्रेस इन योर लाइफ. एवरी वन एक्सपीरियंसेस चैलेंजेस. इफ इट इज विद यू और इट इज विद अदर पीपल, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट.
don't just look at the negatives or limitations, see that how you can learn from it and how you can move on. And another very important aspect associated is the moment you start accepting things, you will see the emotional disturbances which you are experiencing are definitely going to come down. Most of the people find it very difficult to accept. Even when it is here, right, that they know what is going on with them, they just don't want to accept it. Why? Ego hurt hota hai. Accept nahi karna chahte hum. Hum hamesha chahte hain ki hum jaise soche, jaise chahein, waise ho. Hamare ko ek uncha standard chahiye. Hamare ko hamari, you know, ek alag hi pehchan chahiye. Jiske chalte hum kabhi kabhi dusron ko suppress karne lag jate hain. Hum dusron ke upar bahut hi zyada assertiveness ya dominating tendencies show karna shuru kar dete hain. Kaam nahi karta hai. ये तरीके हैं जिसमें हम हमारे इश्यूज को दबाना या दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लगते हैं. इसकी वजह से इमोशनल क्राइसिस कम नहीं होते हैं, उल्टा बढ़ेंगे. तो लॉन्ग रन में सिंपल फंडा रखिए कि जब भी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस फील होती है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि यस, मेरे साथ ऐसा हो रहा है एंड मेरे साथ ऐसा हो सकता है. क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो यार, हर किसी के साथ होता है. यू आर नॉट स्पेशल, राइट? कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके साथ होगा. इट इज जस्ट कि हम डील कैसे करते हैं एंड हम डील अच्छे से करना सीख सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग, प्लीज एक्सेप्ट योर इमोशंस, मेक अ नोट ऑफ योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल ओनली द काइंड ऑफ इमोशंस विच आर रियली पॉसिबल टू कंट्रोल. ऑल्सो रिमेंबर द वेरी फैक्ट कि हमेशा नेगेटिव इमोशंस ही प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं. कई बार आपके साथ ये भी होगा कि पॉजिटिव इमोशंस भी हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं. तो पॉजिटिव इमोशंस के केस में भी थोड़ी सी कामनेस अपने बिहेवियर में, अपने मन में एक स्थिरता लाने की कोशिश करें. बिकॉज द मोमेंट यू एक्सपीरियंस दैट कामनेस, दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट, दिस इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग एज एन एक्सपीरियंस फॉर यू. द मोर स्टेबल एंड बैलेंस्ड यू आर, यू विल सी failures, you know, you will start seeing that in positive way. You will always move towards achieving your goals. When it comes to interacting with other people, you will always find something good to talk to. It is our mindset, how we are looking at things. I think I've mentioned in one of the videos, I discuss this a lot in my classes. If I'm not mentioned in the previous videos which you have seen, I'll say that again here today. हमारे को कई बार लगता है कि इमोशनल इश्यूज़ एक अलग हैं, मेंटल इश्यूज़ अलग हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ अलग हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप एक अलग ही प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड. जस्ट बिकॉज यू आर मेंटली लाइक इरिटेटेड यू, राइट, इन योर इमोशनली डिस्टर्ब, यू विल सी दैट यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एंड दैट इज गोइंग टू कॉज मोर इश्यूज. समवन इज एक्सप्रेसिंग टू यू, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग, कॉजिंग इश्यूज. अब लड़ाई हो जाएगा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेज और बढ़ जाएगा. तो छोटी छोटी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा इमोशनली ट्रिगर करती हैं एंड यही चीज़ अल्टीमेटली पढ़ाई पे फोकस नहीं करने देती. अब ऐसा नहीं है यार कि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कुछ इस तरीके से आती हैं कि हाँ पढ़िए मत, राइट, हम पढ़ नहीं सकते. नो, इट इज़ ऑलवेज अबाउट पर्सनल थिंग्स एसोसिएटेड. इफ़ यू नो हाउ टू कीप पर्सनल थिंग्स असाइड एंड फोकस ऑन योर गोल्स, दैट्स परफेक्ट. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू, देन यू हैव टू लर्न टू डू दैट. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग यू शुड रिमेंबर, दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्स्ट एक्सेप्ट इट, राइट इट, ट्राई टू रिजॉल्व इट, कंट्रोल वॉट यू कैन कंट्रोल. When you cannot control things, please do not overthink about it. Try to find ways of accepting it, moving on to new things, and again, controlling the ones where you have better control, regulating things better, and that is how you learn, you achieve what you want to achieve. And I say, for UPSC aspirant, achieving better emotional regulation or achieving emotional stability is extremely important. Although I would love to talk a lot more about this and expand on the sentence which I'm going to say, emotional stability is one of the key assets of UPSC aspirant's life. When you're not emotionally stable or you do not know how to manage your emotions, you will find it always very difficult to study and you will find it extremely difficult to express yourself in the right manner around people. So, koshish karo ki ye stability gain kar sako. कोशिश करो कि माइंड को डिस्ट्रैक्शन फ्री रख सको. जब डिस्ट्रैक्शंस इमोशनल एस्पेक्ट पे ड्यूस होंगे तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया पे बार बार जाके चेकआउट करना, यू नो, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करना,
फालतू की एक्सपेक्टेशंस उन लोगों से रखना जो वो कभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करने वाले, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ना अपने आप साइडलाइन होती जाती हैं, बिकॉज आपके अंदर एक कामनेस है. जब तक अंदर कामनेस नहीं है तब तक हर जगह आप वो ढूंढने की कोशिश करते हो. खुशियाँ बाहर नहीं मिलती, खुशियाँ बनानी पड़ती हैं. इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस एक बार खुद को ये लाइन बोल देने से आप इमोशनली स्टेबल फील करोगे. आई होप ऑल ऑफ यू आई एम श्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज आर ऑल प्रोसेसेस एंड ऑल द प्रोसेसेस विल टेक टाइम. दिस विल ऑल्सो टेक गुड डिग्री ऑफ एफर्ट. अगर आप एफर्ट नहीं डालेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ये हम किसी और के लिए नहीं डाल रहे हैं, ये हम हमारे लिए डाल रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए, हमारे गोल्स के लिए, राइट? तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है. ब्रेक ले सकते हो, जब लगे कि थक गए हैं थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा चिल करो, बट आगे बढ़ना है, रुकना नहीं जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता. दैट्स अ सिंपल मंत्रा. प्लीज डोंट बिकम टू टॉक्सिक इन टर्म्स ऑफ रनिंग बिहाइंड थिंग्स दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट you will realize you're doing something wrong. If you'll not realize now, you will regret it later. It's better to give your best to your goals. But when it's time to rest, take rest. Next day, new journey, new starting, and again, give your best to your goal. Simple cycle. The more simple you keep, the easier it gets to achieve your goals. Simplicity, consistency, effective communication, impactful emotional stability or emotional resilience is something which all of you should practice. I will discuss other issues which are related to emotional disturbances in detail. We'll talk about relationships specifically, we'll talk about crisis within family separately, we'll talk about issues with other people separately. I will try to make as many videos as possible. If there's anything specific which you want me to discuss, do drop your message in the or your issue in the comment section and I will try to make a video on that as soon as possible. Thank you so much everyone. Take good care of yourself. I hope the series is helping you all a lot. Thank you.